हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है क्लास फोर्थ सोशल स्टडीज़ का, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट अवर टॉपिक। इंडिया इंडस्ट्रीज़ चैप्टर है 14 आपकी बुक का। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और हमारी इंडस्ट्रीज़ के कितने टाइप होते हैं। वी यूज़ मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ्स। हम अपनी डेली लाइफ्स में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। सम ऑफ द थिंग्स आर यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म, सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सही चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें जो हम उनकी नेचुरल फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, उन्हें हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के साथ उन्हें मिला करके उनको नया रूप देना पड़ता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, फर्नीचर, क्लोथ एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल into useful finished goods is called manufacturing। अब आप कहेंगे मैम manufacturing क्या होता है, तो manufacturing का मतलब raw material का मतलब होता है कच्चा माल, मतलब जिसको हम as it is use नहीं कर सकते, जिसको हम क्या करते हैं, convert करते हैं useful products में, जब उनके finished product मतलब ऐसे goods बन के तैयार हो जाते हैं जिन्हें हम use कर सकते हैं, finished goods में बदल देते हैं उसको, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल भाषा में कहें तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है। इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत हेल्पफुल होती हैं। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए। और आज के टाइम पे हमारी जो कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर 10th रैंक पर आती है हमारी कंट्री। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनमें रैंकिंग की जाए तो हमारी इंडिया 10th रैंक पर आती है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, कि एक इंडस्ट्री के अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो अभी हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलना, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए हर एक इंडस्ट्री के अंदर, जो भी फैक्ट्री होती हैं उनको चलाने के लिए, उनको सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल्स की, मशीन्स की, पावर मतलब बिजली की, प्लेस जगह चाहिए, लेबर, फाइनेंस मतलब पैसा, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक कहीं पर हमें फैक्ट्री लगानी है या इंडस्ट्री लगानी है तो जगह भी चाहिए, उस जगह के अंदर लेबर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए, उन मशीनों को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, उनसे जो सामान हमें उन मशीनों को ख़रीदने के लिए पैसा भी चाहिए, लेबर को देने के लिए पैसा चाहिए, मार्केट चाहिए जहाँ पर हम अपने सामान को बेच सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चाहिए जिससे हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना कर सकते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल आर द बेसिक कॉमोडिटीज़। रॉ मटेरियल को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि बेसिक कॉमोडिटी मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमोडिटी, बेसिक कॉमोडिटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने में, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाहिए होती है, जिसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन बॉल्स आर द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री जहाँ पर कॉटन बनाई जाती है, कपड़ा बनाया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी कॉटन बॉल्स होती हैं वो रॉ मटेरियल होंगी। क्योंकि एक शर्ट अगर हमें बनानी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो वहाँ के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन। क्योंकि कॉटन से ही हमारा थ्रेड बनेगा, फिर उसी थ्रेड से वीविंग होके फिर हमारी शर्ट बनेगी, ठीक है। हमें इंडस्ट्री के अंदर मशीनों की ज़रूरत होती है ताकि हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट्स में बदल सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल टी लीव्स आर प्रोसेस्ड इनटू फाइन टी विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन की मदद से ही जो चाय की पत्तियां होती हैं उनको एक फाइन
टी में चाय में बदला जाता है। सिलेक्शन ऑफ प्लेस इज इम्पॉर्टेंट टू सेटअप एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए जगह का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सही जगह होगी तभी वहाँ पर सही तरीके से रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड हो पाएगा, हम बाकी चीज़ों को भी बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। वी नीड पावर, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी ताकि हमारी जो फैक्ट्री है उसमें हम लाइट लगा सकें, लाइट ला सकें, मशीनों को चला सकें। थर्मल न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज टू रन मशीनरी। मशीनरी को चलाने के लिए थर्मल न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये दो तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को वाटर भी चाहिए होता है, पानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देयरफॉर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो या तो रिवर्स या वाटर बॉडीज़ के पास में लोकेटेड होती हैं ताकि पानी उन्हें ईजिली अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी फॉर्म ऑफ लेबर भी चाहिए होती है। अब यहाँ पर लेबर का मतलब सिर्फ यही नहीं है जो ईंट पत्थर उठाते हैं, नहीं, लेबर का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब इंसानी लोग भी चाहिए काम करने के लिए, जैसे इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, मैनेजर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ये सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। इंडस्ट्री ऑल्सो नीड पीपल हु कैन थिंक, प्लान एंड डिज़ाइन द सेटअप ऑफ अ फैक्ट्री। इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि एक इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ मनी। बिना पैसे के ये सारे रिसोर्सेज बेकार हैं। जब तक मनी नहीं होगा तब तक हम एक इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनी नहीं होगा तो ना हम कोई जगह खरीद पाएंगे, ना मशीनरी खरीद पाएंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पाएंगे, ना ही हम अपने लेबर को पेमेंट दे पाएंगे। तो इसीलिए मनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कहीं से रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लेकर आना और फिर फैक्ट्री के अंदर जब जो सामान बनेगा, जो फिनिश गुड्स बनेंगे, उनको अलग अलग मार्केट्स में पूरी कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की मार्केट तक पहुँचाना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, यातायात बहुत ज़रूरी है। एंड मार्केट भी बहुत एसेंशियल फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ही नहीं होगी तो क्या करेंगे हम उस सामान को बनाकर, जो हमने प्रोडक्ट बनाया होगा उसको बेचने के लिए, उसको सेल करने के लिए हमें मार्केट की तो ज़रूरत है। जब तक मार्केट नहीं होगी तब तक हम उस सामान को कहाँ बेचेंगे। इसलिए इंडस्ट्री जो है, द नियरर इज़ द इंडस्ट्री टू इट्स मार्केट द चीपर इट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक इंडस्ट्री को सेटअप जब किया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ से मार्केट कितना पास में है, क्योंकि मार्केट पास में होगी तो सामान को मार्केट तक पहुँचाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम लगेगा, तो कॉस्ट भी कम रहेगी। तो मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये तो थे हमारे कि हमारी इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो मेनली हमारी 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके साइज़ के बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती हैं? वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर पीपल प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट थिंग्स अपने खुद के घरों में, और खुद के घर के लोग मिलकर ही उस सारे सामान को बनाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा कैपिटल का मतलब है पैसे, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैंडीक्राफ्ट, कपड़े बुनाई का काम, कारपेट बनाने का, बास्केट बनाने का, शू मेकिंग, शॉल मेकिंग, ब्लैंकेट वीविंग, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के कुछ एक एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर थोड़े वर्कर और थोड़ी ही कैपिटल में काम हो जाता है, और ये लोग ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स को बनाते हैं, मतलब ऐसे गुड्स जो आम जनता को ज़रूरत होती है। यहाँ पर मशीनें भी छोटी छोटी यूज़ होती हैं, छोटी ही फैक्ट्री में यहाँ पर काम हो जाता है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसी फैक्ट्रीज ज़्यादातर क्या बनाती हैं? कपड़े, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, हाउजरी गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, लेदर गुड्स, ये सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर मशीनें भी बड़ी होती हैं और यहाँ पर
स्पेशलाइज स्टाफ को यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, जैसे आयरन एंड स्टील का प्लांट, टेक्सटाइल, कॉटन मील्स, टेक्सटाइल एंड क्लोथ मील्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल एंड ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, ये सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और ये ऐसी जगह पर सिचुएटेड होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हो, मतलब उन्हें मिल जाएं। आज की वीडियो में हमने इतना पढ़ा, अगली वीडियो में हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और भी जानेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।